एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहले क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इस चीज को डिवाइड करना है जी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इसे डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइड्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ लिख लेंगे x² माइनस 2। अब क्या करना है, देखना है इस वाले को और इसको देखना है, x² और x टू द पावर 3। ठीक है, तो इस x टू द पावर 3, x के ऊपर पावर 3 लाने के लिए x² को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि ये x टू द पावर 3 हो जाए। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स टू द पावर 3, x² इंटू एक्स, इट मीन्स x टू द पावर 2 प्लस 1 x टू द पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x टू द पावर 3, और अब इस वाले x को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब जो यहाँ होता है इसके साइन को चेंज करते हैं, अगर ये प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में बदल देंगे, और ये माइनस है तो इसको प्लस में बदल देंगे। अब क्या होगा, एक प्लस एक माइनस होने के कारण से ये कैंसिल, और अब यहां से इसको नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x², और 5 में से 2, 5x में से 2x, 5x और 2x को दोनों को प्लस करेंगे तो 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा 7x, और फिर ये माइनस 3। अब माइनस 3x² लाने के लिए इस x² को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x लाने के लिए इस x² को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा माइनस 3x², और फिर इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ अब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7x और माइनस 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा कोटिएंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसको डिवाइड करना है x² प्लस 1 माइनस x। तो इसको चलो हम लिखते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेंगे, लिखते समय इसको पास लिखेंगे ऐसे x² और इसको आगे ले लेंगे माइनस x और ये प्लस 1 ऐसे, और इस वाले को जैसे का वैसे लिख लेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, x टू द पावर 2 और x टू द पावर 4, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर x टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x टू द पावर 4 हो जाएगा 2, तो हो गया x टू द पावर 4, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x टू द पावर 3, और फिर ये हो जाएगा प्लस x टू द पावर 2। अब सबके साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब देखते हैं क्या होता है, ये माइनस 3x टू द पावर 2 और इसके सामने हमने लिख दिया x टू द पावर 3, तो ये अलग ये हो जाएगा, लिख देंगे इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं x टू द पावर 3, और इसका रिलेशन इसके साथ बनाएंगे, है ना, ये भी माइनस, तो जाएगा माइनस 4x टू द पावर 2, 4x प्लस 5। अब फिर x टू द पावर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा x टू द पावर 3, फिर इसको इससे करेंगे माइनस x के ऊपर पावर 2 और प्लस x, माइनस प्लस माइनस,
कैंसिल, 4x² में से x² माइनस करेंगे तो जाएगा -3x² और ये जाएगा +3x+5। अब x² है यहाँ -3x², तो इसको हम लोग -3 से ले लेंगे तो जाएगा -3x² माइनस माइनस +3x और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल और 5 + 3 = 8 ये हो गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर हो गया और ये हमारा कोटेंट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x + 6 और डिवाइड करना है किससे, 2 - x² से। इसमें भी थोड़ा सा अरेंजमेंट लगाएंगे, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x + 6 डिवाइड करना है इसको, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं x² + 2 क्योंकि 2 के आगे प्लस है इसलिए यहाँ प्लस और x² के आगे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस। अब इसको डिवाइड करते हैं। चल तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, चाहिए एक्स टू दी पावर 4। एक्स टू दी पावर 4 लाने के लिए x² को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x² से। लेकिन बात क्या होती है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, हमें चाहिए प्लस, ठीक है। तो प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -(-) + और x² 4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -2x² साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये और ये एक जैसा नहीं है इसलिए इसको पहले अलग लिख लेंगे, ये जाएगा 2x², ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि ये माइनस बदल चुका है प्लस में इसलिए +2x² और ये माइनस में इसलिए -5x और +6। अब 2x² लाने के लिए फिर क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2x² और 2 जा -4, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आ गया -5x और +6 और 4 ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका जो पावर है इससे छोटा हो गया इसके कारण से अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है रिमाइंडर और ये हो जाता है हमारा कोटिएंट।